तो दोस्तों जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहाँ पे 25,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर करा, यानी कि दोस्तों मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 25,000 का मैं ऐसे लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों सबसे मजेदार की बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह जो मुझे 25,000 का जो लोन ऑफर कर रहा है ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से, यानी कि मैंने पैन का आधार कार्ड से यहाँ पे KYC कंप्लीट किया और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं यहाँ से 25,000 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों अगर आपका भी एज मात्र 18 साल है और आप ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप आपको अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो और 110% आपको इस लोन मिल सकता है दोस्तों। तो कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो नीचे आपके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल, तो यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे जब कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपके फोन में जितने भी ईमेल होंगे सभी ईमेल यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई सा भी एक ईमेल यहाँ सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों मैं ये वाला ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप भी अपना कोई सा भी एक ईमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों अब आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो और यहाँ पर देख सकते नीचे आपको बोरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है बोरो वाला, तो यहाँ से वो बोरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप बोरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों अब आपको इस लोन एप्लीकेशन का परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए नीचे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन को लगातार परमिशन दे देना है। जैसे वहाँ से आप लगातार परमिशन दे दोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है इंटर योर नेम, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटर कर लीजिए, फिर नीचे आपको लास्ट टाइम इंटर करके नीचे जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्फर्म का, तो यहाँ से वो कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ जब कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ से अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो इंप्लॉयमेंट टाइप में आप हो क्या, अगर आप एक स्टूडेंट होता है स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो दोस्तों यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो एक सैलरीड पर्सन, मैं सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करके नीचे जो कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा था यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ जब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ अपना पेन का नंबर इंटर करके नीचे वो एक जो ऑप्शन देखने को मिलेगा यस कन्फर्मेड पेन, तो यहाँ से यस कन्फर्मेड पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेंट कंपनी नेम, यानी कि दोस्तों आप कौन से कंपनी में यहाँ पे जॉब करते हो उस कंपनी का यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। उसका नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो टेक ए सेल्फी का ऑप्शन देखने को आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए नीचे आपको ओपन कैमरा का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आपको ओपन कैमरा वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल के यहाँ से कैमरा ओपन हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ से अपना एक सेल्फी यहाँ से अपलोड कर देना, लेकिन दोस्तों क्लियर सेल्फी यहाँ से अपलोड करना, आपका सेल्फी यहाँ से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना एक अच्छा से यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आज आप सेल्फी अपलोड कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लेट्स वेरीफाई योर आधार, दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड कैसे वेरीफाई करना है। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए नीचे जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है KYC आधार मतलब OTP है दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहां आप KYC आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख यहाँ पे आता है इंटर आधार नंबर, दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना 12 डिजिट का। उसका दोस्तों ये जो कैप्चा को दिख रहा है ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में इंटर करके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करके ये वाला कैप्चा बॉक्स में इंटर करके नेक्स्ट करोगे उसका दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP इंटर करके वहां से वो कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे वहां से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है डिजी लॉकर का पिन इंटर करने के लिए। दोस्तों आप 6 डिजिट का कोई सा भी डिजी लॉकर यहाँ पे पिन इंटर कर लीजिएगा। उसका नीचे वो जो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपका यही एड्रेस है। दोस्तों अगर आप इस एड्रेस पर अभी रहते हो, करेंट एड्रेस है दोस्तों, तो आप यही वाला रहने दीजिएगा। अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हो दोस्तों यहाँ पर आता है न्यू एड्रेस प्रूफ, तो दोस्तों आपको कोई एक प्रूफ देना होगा कि आप दूसरे एड्रेस यहाँ पे जो अगर आप ऐड करते हो उसका कोई एक छोटा सा यहाँ पे प्रूफ दे दीजिएगा। उसका दोस्तों आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आप यही एड्रेस ऊपर जो दिखेगा तो वही एड्रेस पर अगर आप अभी रहते हो दोस्तों सीधा यहाँ से कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों वहाँ से कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने
इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है चेक एलिजिबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। जैसे वहां से आप कुछ सेकंड वेट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया था बैंक वेरीफाई करने का। तो बैंक वेरीफाई करने के लिए वो करना क्या पड़ा, नीचे जो है कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर देना है। जैसे वहां आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा आपके बैंक और यहाँ से ₹1 भेजा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि आपका बैंक और यहाँ से एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा आपके बैंक और यहाँ से ₹1 आएगा और ये वेरीफाई करेंगे कि आपका बैंक और यहाँ से एक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे बैंक और यहाँ से ₹1 आ चुका है उसका। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन देखो मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो यहाँ से वो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपका बैंक और जैसे वहां से वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि आपको फाइनल लोन आप बता देगा कि आप यह कितना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैं 25,000 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन भी देखने को आ चुका है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो नीचे जो आपको एक लेट्स गो का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से वो लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है इस लोन अमाउंट को लेने के लिए। जैसे वहां से आप लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बोरो का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से वो बोरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप बोरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रांसफर अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो जितना भी लोन ऑफर किया, जैसे दोस्तों मुझे 25,000 का लोन ऑफर किया गया तो मैं ऐसे पूरा 25,000 लोन ले सकता। हो सकता है दोस्तों कि अगर आपको 25,000 का लोन ऑफर करे और आपको 8-9,000 अमाउंट की जरूरत है तो यहाँ पर अपना उतना लोन अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे अपना लोन अमाउंट डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों विद इन 2 मिनट्स के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में ऐसे अमाउंट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे लोन की कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों, मैं ऐसा लोन अप्लाई नहीं करूंगा। अगर आपको लोन की काफी ज्यादा जरूरत हो गई दोस्तों तो आप जाकर इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। काफी सिंपल है दोस्तों, आपको काफी जल्दी यहाँ पे आपको लोन भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है स्लाइस और दोस्तों काफी छोटा लोन एप्लीकेशन है, यानी कि दोस्तों काफी मतलब छोटे नाम लोन एप्लीकेशन है दोस्तों और आपको जल्दी यहाँ पे लोन भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है स्लाइस और यह प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे स्लाइस सर्च करोगे यह लोन एप्लीकेशन आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा। और इसके दोस्तों यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हो दोस्तों, रेटिंग काफी अच्छा इस लोन एप्लीकेशन को मिला हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों 4.4 का रेटिंग इस लोन एप्लीकेशन को रेटिंग में मिला हुआ है। और डाउनलोड्स की बात कर लेते हैं आप देख सकते हो 10 मिलियन प्लस लोगों ने इस लोन एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों 10 मिलियन प्लस, यानी आप सोच सकते हो दोस्तों कि 100 लाख प्लस लोगों ने इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी करके मतलब इसको यूज कर रहे हैं। दोस्तों आप भी जाकर सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको स्लाइस लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं मिलता है, या अगर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है और दोस्तों आप लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए हो और आप ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो, यानी कि दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है दोस्तों और आप ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो और मिनिमम 5,000 का और मैक्सिमम 1,00,000 का, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप आपको अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से KYC करके आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 15 लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 15 लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर खुश है। तो अगर आप भी लोन के लिए परेशान हो गए हो और आपको अगर कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा तो आप उन 15 लोन एप्लीकेशन जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।